ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरे रात खाली आ जाना है। सही बात, ये दुनिया आजमाइश है। सो है गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए सुबह और एक नए सफर में। गाइस आज मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है, ठीक है। और परसों दिन हम यहाँ पर आए थे शाम को और बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और कल तो बहुत जोर बारिश हो रही थी, सुबह से शाम तक बारिश ही होती रहेगी। तो कल यात्रा में आगे नहीं बढ़े थे, परसों रात में यहाँ पर रुके थे और कल भी यहाँ पर रुके थे। मंदिर के प्रांगण में हम कैंपिंग टेंट लगा लिए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर दो दिन रुके, रहना सोना खाना पानी बहुत बढ़िया से हुआ। इधर में गुरुजी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये गुरुजी हैं, इनके आश्रम में दो दिन यहाँ पर बहुत अच्छे से बीती। बाकी आप मंदिर का प्रांगण देख पा रहे हैं और नीचे में है बुड्ढे अमरनाथ जी, तो उसके भी हम लोग दर्शन करेंगे। बाकी इधर में अपनी बैग जो है वो तैयार है, ठीक है, तो अब राष्ट्रगान करेंगे और अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत के भाग्य की धाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब सुबह नाम जागे तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद साथियों, ये गुफा के अंदर आप दर्शन कर पा रहे हैं बुड्ढे अमरनाथ जी के, हरी बोल। तो गाइज मैंने पहले प्रणाम कर लिया है, आप भी प्रणाम कर लें, हरी बोल। आप देख पा रहे कई सारे शिवलिंग हैं और इधर में आप देख पा रहे बुड्ढे अमरनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं, हरी बोल। बाकी इधर में नंदी महाराज विराजमान है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए भाई साहब से मुलाकात हो गई, ठीक बात है, और क्या ठीक ही बात है। तो भाई साहब मुझे देखे, बात किए, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल भाई साहब हैं, इधर में एक चचा भी है। नाम है मोहम्मद इकबाल। अरे आपका भी मोहम्मद इकबाल, तो बहुत बढ़िया लगा। पीछे भाई साहब लोग हैं, ठीक है, और क्या, इधर में भाई साहब लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे भैया? बस आबाद खुश रहो, हम क्या चाहेंगे, अच्छी बात है, खुशी की बात। बस आप सबकी दुआओं, आप सबकी शुभकामनाएं, दुआएं होनी चाहिए, बाकी क्या लेना दुनिया में। यात्रा में आगे ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरे रात खाली आ जाना है। सही बात, ये दुनिया आजमाइश है। बिल्कुल सही बात, आप भाई जान कहीं के हम कहीं के, ये आजमाइश है, बिल्कुल आने जाने की दुनिया। सही बात है ना। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बाकी आप सबकी दुआओं के साथ में बस दुआएं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू गाइस आप मगरकोट देख पा रहे हैं, ठीक है, ये मगरकोट का बस स्टॉप है, ठीक है, ये बस स्टॉप है, आगे में बसें भी खड़ी आप देख पा रहे हैं। बाकी इधर में फल उल की दुकानें हैं, ठीक है, ये है, सही है। बाकी कल बारिश हुई थी तो उधर पहाड़ी पर बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, दिखाते आप लोगों को सामने से। तो गाइस आज अपनी पैदल भारत यात्रा के 60 दिन आरंभ हो गए, ठीक है, 60 डेज, और आज मैंने अपनी यात्रा आरंभ की है मगरकोट से, ठीक है, दत्तात्रेय भगवान जी के मंदिर से, मंदिर के प्रांगण से। तो बाकी वहाँ पर दो दिन रुके, कल रुके, परसों रुके, बहुत बढ़िया जो गुरुजी थे उनका सहयोग मुझे मिला इस भारत यात्रा में, रहना खाना पीना सोना सारी सुविधा हुई। बाकी अभी यात्रा में आगे बढ़ते हुए गुरुजी को प्रणाम आदि किए, पहले तो भगवान को प्रणाम आदि किए, फिर गुरुजी को प्रणाम आदि किए, उसके बाद फिर चाय साय पिए, और उसके बाद हालांकि गुरुजी को वीडियो में आना पसंद नहीं है, वीडियो कैमरा या फिर खाते पीते हुए वीडियो करना या बातें करना पसंद नहीं है, तो बहुत सी जगहों पर नहीं भी किए। बाकी गुरु जी ने आगे बढ़ते हुए यात्रा मुझे कुछ आर्थिक रूप से सहयोग दिया, उन्होंने कहा कि आप ये रखो, आगे आपको काम में आएंगे, ठीक है। तो गुरु जी का आर्थिक सहयोग मुझे मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट मिला,
तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, गुरु जी को धन्यवाद देते हुए प्रणाम आदि करते हुए यात्रा में आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये व्यू देखो गाइस। ठीक है, ये ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। ये नीचे नदी है और ये नीचे नदी से ये शॉर्ट रास्ते बन रहे हैं। ठीक है, ऊपर उधर ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। ये रास्ते शॉर्ट आगे की तरफ श्रीनगर कश्मीर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये आप व्यू देख पा रहे हो, ऊपर में कल बर्फ पड़ी थी, देख पा रहे आप ऊपर में बर्फ जमी है। ठीक है, और ये आप देख पा रहे चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है ये मगरकोट। तो गाइस यात्रा में आगे बढ़ते हुए फिलहाल अभी तो रोड पर हल्की हल्की जाम लगी है और गाड़ियां जा रही हैं और अपनी मिलिट्री की भी गाड़ी जा रही थी आर्मी की। तो हमारे आर्मी के जवान ने, एक भैया ने मुझे बुलाया, बात किया मुझसे और मुझे केले दिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि केले खाएंगे आप, तो मैंने मना नहीं किया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, केले थोड़ी ना मना करते हैं। फिर केले ले लिए उनसे, बाकी धन्यवाद आदि दिए और उनको, हालांकि वीडियो में उनको मेंशन नहीं कर पाए क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी थे और फॉर सिक्योरिटी रीज़न ये सारी चीज़ें, अपने देश की आर्मी की गतिविधियाँ या किधर से किधर जा रही हैं, ये सारी चीज़ें शेयर करना थोड़ा ठीक नहीं होता। ठीक है, तो मुझे एक भैया ने बताया था, वो भी आर्मी से ही, तब से मैं नहीं करता हूँ, तब से क्या, मैंने पहले भी नहीं किया कभी, तो यही है। तो बाकी भैया को धन्यवाद देते हुए केले रख लिए अपने बैग के ऊपर और आगे बढ़ रहे हैं, और हम कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और श्रीनगर करीब 70-80 किलोमीटर ऐसे ही होगा यहाँ से। आज शाम को तो श्रीनगर मतलब कश्मीर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, बनिहाल के बाद कश्मीर ही है, 19 किलोमीटर पार करेंगे तो फिर उधर कश्मीर एंटर कर जाएंगे। तो हम जा रहे हैं श्रीनगर और करीब 70-80-90 किलोमीटर होंगे, और ऐसे अगर हम बाय रोड जाएं या शॉर्ट रास्ता लें तो 2 दिन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला और लोग इधर उधर का भी रास्ते बताते गए कि आसपास कुछ दार्शनिक स्थल है या विजिट पॉइंट है, वो सारे दर्शन करते हुए विजिट करते हुए फिर अपनी यात्रा में कश्मीर की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है ना, जो भी दर्शन स्थल ही है दर्शन करते हुए। जय हिंद भाई साहब। तो यही है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी अभी जाम लगी हुई है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। तो गाइस यात्रा में आगे बढ़ते हुए भाई साहब से मुलाकात होगी और यहाँ पर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, कंपनी का काम चल रहा है, बाकी आप लोग कंस्ट्रक्शन काम से रिलेटेड है। यहाँ पर भैया लोग का कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका? शमीम। शमीम भाई साहब है, और आपका भैया? खालिद। खालिद भाई साहब है। तो बहुत अच्छा लगा, भैया उधर में थे, मुझे देखे तो इधर में आकर के बैठे, बात किए बुला कर, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए, आपकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। तो गाइस मगरकोट से आगे बढ़ते हुए रामसू, ये जगह रामसू जगह ना सर, रामसू पुलिस स्टेशन सर मिल गए। तो सर से बात से बहुत अच्छा लगा, सर पूछ रहे थे कि आप कहाँ से चले, कहाँ से रहने वाले, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी सर का नाम है संजय कुमार सर, बहुत अच्छा लगा सर से बात से। बाकी कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबके सहयोग, आप सबकी शुभकामनाओं से काफ़ी याद लग रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर बोले कि बैठो, आप बैग उठ रखो, पानी खाने पियो, सर आपकी जो भी श्रद्धा होगी वो सारी आपकी सहयोगिता लेते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ेंगे। तो गाइस सर बोल रहे हैं कि आप खाना उना खा कर कुछ स्वाद आगे बढ़ो, तो फुल्के रोटी खा लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये भैया हैं, सर हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। यूनुस सर हैं। ठीक है, तो सर मुझे अंदर लेकर के आएँ और रोटी सब्जी, ठीक है, फुल्का सब्जी, तो खाते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं यात्रा में। तो
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें रोटी खा लिए, फुलके चार रोटी सब्जी, बहुत बढ़िया। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर के सहयोग और फुलका और सब्जी के रूप में, मतलब खाना पानी के रूप में सर का सहयोग मेरे साथ इस भारत यात्रा में जुड़ गया, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए ठीक है सर, बाकी सर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने YouTube फैमिली के मेंबर भी बन गए हैं, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का स्वागत है, वेलकम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने का। तो गाइस यहाँ पर ये भाई साहब भी मुझे मिल गए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह भाई साहब अपने यूपी बलिया से हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो बता रहे थे कि जो अपने लेबर वगैरह हैं सारे जो मैक्सिमम अपने उधर की उधर के ही है, वेस्ट बंगाल बिहार उधर के ही है। बाकी भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा, और भैया आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर भी बने, तो भैया का स्वागत है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों से मिलते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी श्रद्धा, आपकी सहयोग, आपकी शुभकामनाएं। ये आप देखो यार, नीले नीले आकाश, और ये ओ भाई औसम व्यू, और ये देख लो भाई इधर चारों तरफ पहाड़ी और नीचे में नदी बह रही है, ठीक है। ये देख लो भाई, ओ नीले नीले अंबर पे, सही है। तो गाइस ये आप पहाड़ों के व्यू देख पा रहे, ठीक है। और ये यहाँ की लोकेलिटी, मतलब आसपास जो घर हैं, ठीक है, बसावट आप देख पा रहे हैं, ये है। यहाँ पर राशन की दुकान है ये, और ये पीछे पहाड़ी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, सही है। मतलब मैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर चाचा लोग हैं, इधर में भैया लोग हैं, ठीक है। तो भैया लोग से बात किए, भैया लोग तो आगे से आए, फिर रोक करके बात किए मुझसे, बहुत अच्छा लगा भैया लोग से बात करके। बाकी भैया लोग का क्या नाम हुआ? फयाज। फयाज, फयाज भाई साहब है, गुलजार अहमद, गुलजार अहमद है, डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब है आप, डॉक्टर साहब है यहाँ पर जे एंड के में। बाकी पीछे अपने भाई साहब भी है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सफ़ीद भाई साहब है। बाकी इधर में चचा एक है, क्या नाम हुआ चचा का? गुलाम हजूर चचा है। और इधर में भी एक चचा है, गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद चचा है। तो भैया लोग चचा लोग से सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? ऊपर वाला आपकी यात्रा को सफल करें, अगर किसी चीज़ की दिक्कत आए तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा नंबर है 8492055290। किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो हमसे संपर्क करें, जिससे हम आपको रास्ते में कोई भी दिक्कत हो तो आपका कोई बिल्कुल बिल्कुल हाल कर सकते, बिल्कुल। बाकी आप सबकी दुआओं, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे लिए भी अपनी यात्रा में दुआ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाई लोग मिल गए, ठीक है। ये राजन भाई अपना, ये करण, रोहित, रोहित भाई है, ठीक है, रोहित भाई, और ये अपना करण भाई है, ठीक है। तो भाई लोग से बात के बहुत अच्छा लगा, भाई लोग से बात करके। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैंने भाई लोग से पूछा कि आप लोग भी पूरी भारत माता की यात्रा करना चाहोगे, करना चाहोगे आप लोग? करना चाहेंगे भाई लोग, ठीक है। चलो आप लोग थोड़े और बड़े हो जाओ, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, फिर पूरी भारत माता की यात्रा करना, ठीक है। चलो ठीक है, आप सबको जय हिंद, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। गाइस चलते चलते केले खाते हैं यार, थोड़े कम हो जाएंगे, मतलब भारी भी हैं, खा भी लेते हैं। तो गाइस यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये कौन सा जगह है? रामसू, ठीक है। तो रामसू ये भैया लोग हैं, तो हम तो केले खाते हुए आगे बढ़ रहे थे, छिलके भी अभी हाथ में पड़े हुए हैं, तो भैया ने देखा कि यार खाते पीते आगे बढ़े, तो भैया ने बुलाया, बैठ आया, ठीक है। तो भैया लोग से मिलवाते, बात करवाते हैं, तो उठ जाते, ठीक है, सारे भैया लोग ऐसे आ जाएंगे, आ जाओ भैया आप भी आ जाओ सारे लोग। तो यहाँ पर बैठे हुए थे, ठीक है,
बाकी ये भैया लोग हैं। तो भैया क्या नाम है? मेरा नाम आफ्ताब मुदस्सिर जी। आफ्ताब भैया हैं, ठीक है। आपका चचा? मोहम्मद शरीफ चचा हैं। पीछे मुजम्मिल भैया हैं, ठीक है। आपका? पुरुषोत्तम सिंह भाई साहब हैं। आपका? तारिक। तारिक भाई साहब हैं। तो भैया लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, 5-10 मिनट बैठे भी भैया लोग से बात किए, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे भैया? मेरे पास कुछ नहीं, बस भाई आप लोग को सपोर्ट करें कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी दुआएं, आप सबकी शुभकामनाएं, साथ सपोर्ट करना भाई को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए भाई साहब लोग, हालांकि आगे में जाम लगी है तो यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। तो भाई लोग टूरिस्ट हैं सारे ना? लोकल है। अच्छा, ये भाई लोग तो शायद ड्राइवर है, ये भाई लोग तीनों भाई लोग टूरिस्ट हैं। आप राजस्थान से? आप भी? अच्छा, ये कश्मीरी भाई साहब है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा राजीव नाम है। राजीव नाम है आपका? उदित। उदित भाई साहब है। आप लोग राजस्थान से कश्मीर घूमने के लिए? हाँ जी। चलिए भैया लोग कश्मीर घूम के अभी वापसी कर रहे हैं, और आप तो यही कश्मीरी हो, मजे कर रहे हो आप तो कश्मीर में, जन्नत में। सही बात है। क्या नाम है आपका? गुलजार भाई साहब है। और इधर अपने ड्राइवर भाई साहब लोग हैं, यहीं के लोकल ही हैं कश्मीर के, बहुत बढ़िया। बाकी क्या नाम है आपका? फिरोज भाई साहब है। आपका? आकिब। आकिब भाई साहब है। और आपका? जावेद भाई साहब है। और इधर भाई साहब लोग जो आए चंडीगढ़ से? अच्छा, ये भाई साहब चंडीगढ़ से आए हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताएं? तरुण भाई साहब है, कश्मीर से घूम के आ गए। अच्छा, इंजीनियर है। इधर मैं आपका काम कर रहा था, हॉस्पिटल बना नया वहाँ। अच्छा अच्छा, और चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाकी इधर में चचा एक आ गए। चचा क्या नाम हुआ? राठौर। चचा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये भाई साहब लोग, ये चचा मुझे मिल गए। तो क्या नाम हुआ भैया का? मेरा नाम है मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद भैया है। और इधर में चचा है गुलाम सदर रसल चचा है। बाकी पीछे भाई साहब है अम्बी सरफराज भाई साहब है। बहुत अच्छा लगा भैया लोग से बात करके। आप लोग यहीं के स्थानीय हैं? जी जी जी, भैया लोग यहीं के स्थानीय हैं। तो बहुत बढ़िया, आपका तो नेचर के बीच में आप लोग रहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस हम यही कहना चाहेंगे कि आपको अभी यात्रा कर रहे हैं, अगर इस यात्रा के दौरान हमारा कोई सपोर्ट चाहिए या कोई डाउट चाहिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। अगर कुछ डाउट चाहिए आपको तो जान सकते। बिल्कुल बिल्कुल, भैया ने कहा कि किसी भी रूप में आपकी सपोर्ट हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो भैया का श्रद्धा, भैया की सहयोग, भैया की शुभकामनाओं के लिए, उनकी दुआ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, बहुत बहुत बहुत। अरे हंसते गाते जहाँ से तू चल, दुनिया की तू परवाह न कर। हाँ, मैं आप नदी देख पा रहे हैं और ये खूबसूरत पहाड़ियाँ कश्मीर के, ठीक है। और थोड़ी आगे जाएंगे तो कश्मीर एंटर कर जाएंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर है। सही है। यात्रा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फिलहाल अभी तो चेयर पे बैठे हुए, ठीक है। और ये सामने में दुकान है भाई साहब का, ठीक है। तो भाई साहब ने मुझे कहा कि आप आइए यहाँ बैठिए, बैग रखती हूँ घर में, ठीक है। और यहाँ पर चेयर में बैठे हुए। बाकी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई साहब है। आपका? रणधीर सिंह बालिक। रणधीर सिंह बालिक साहब भाई साहब। और आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम है? चलो कोई नहीं भाई, अपना ठीक है, कुछ ठाकुर बताया। बहुत बहुत अच्छा लगा भाई लोग से बात करके। बाकी थोड़ी देर बैठ ली, अभी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? चलिए कोई नहीं, भाई लोग अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने YouTube फैमिली के मेंबर बने। सफल हो, बाकी अच्छा दिन निकले, यात्रा आपकी अच्छी हो, बाकी अच्छी तरह भाई साहब की शुभकामनाएं दुआएं अपने साथ इस यात्रा में लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो गाइस ये व्यू देखो यार, ओ भाई ऑसम। इस रास्तों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नज़ारे देखो, है ना, नीचे नदी बहती है, ये देख लो। सही है, ओ भाई सही बात है। तो गाइस आगे बढ़ते हुए यात्रा में भाई साहब लोग मिल गए, तो भाई साहब लोगों से बात के बहुत अच्छा लगा। बाकी क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह भाई साहब। आप? संजय भाई साहब। बहुत अच्छा लगा बात करके। और बाकी आप लोग के यहाँ का स्थानीय है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई। बता बोल रहे थे कि आप तो इतनी दूर से पैदल आ गए, हमसे तो जरा पैदल नहीं चला जाता। तो चलो कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? चलिए
चलिए कोई नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो गाइस ये आप पहाड़ों का व्यू देख पा रहे हो और नीचे में नदी और इधर में कोने में पहाड़ों के बीच में ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, शिव जी का मंदिर है। बाकी पहाड़ों पर आपको इसी तरह के घर देखने को मिलेंगे, ठीक है, छोटे छोटे घर होंगे, टीन के सेट के, इसी तरह के छोटे छोटे घर मिलेंगे देखने को, ठीक है, पहाड़ों के बीच बीच में जगह जगह पर, ठीक है। बाकी सही है, मस्त मौसम है और हम इस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में। पानी प्यास लगी है और बोतल खाली है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं तो पहाड़ों से पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये फिल्टर पानी है, शीतल जल है, तो पानी ले लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं भाई। ठंडक पै गई भाई, शीतल जल है। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं रोडों पर आगे जो है वो काम प्रोग्रेस में है, ठीक है, और निर्माण कार्य बाकी रोडों पर, अभी गाड़ियां खड़ी है जाम है, और ये आप देख पा रहे हैं ठीक पहाड़ों के पीछे की पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई है, ठीक है भाई, औसम व्यू है भाई, औसम नज़ारे, और ऊपर नीला नीला अंबर, सही है। और ये आप देख पा रहे हैं इधर में भाई लोग सारे खड़े हैं, ये भाई साहब लोगों को देख पा रहे हैं, ये भाई साहब अपने यूट्यूब फैमिली के मेम्बर भी हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने यूट्यूब फैमिली के मेंबर हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है भैया का। बाकी आप लोग टूरिस्ट है ना, घूमने के लिए जा रहे हैं, कहाँ से आप लोग? राजस्थान बीकानेर से आए, सही, आप लोग सारे एक ही जगह से, तो ये सारे भैया लोग हैं उधर, चचा लोग हैं, सही है, बहुत बढ़िया। बाकी आगे कार्य जो प्रोग्रेस में है, मतलब रोड का काम चल रहा, इस वजह से थोड़ी सी गाड़ी रुकी हुई है, बाकी सही है, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस ये भैया हैं, क्या नाम है भैया का? रवि कुमार। रवि कुमार भाई साहब है, आपका क्या नाम है? वाहिद। वाहिद भाई साहब, ये भाई साहब तो कश्मीर से ही है, अभी कश्मीर जा रहे हैं, तो बात की, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से जानने के लिए, है नहीं। बाकी भाई साहब की तरफ से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे भैया? जी बस शुक्रिया, जा रहे हैं गाड़ी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यूट्यूब पर सर्च करेंगे शंकर शंभू प्रसाद, ये वीडियो भी देख पाएंगे और पूरी यात्रा देख पाएंगे शंकर शंभू। तो गाइस ये आप देख पा रहे कार्य प्रोग्रेस पर है, ठीक है, इसीलिए गाड़ियाँ रुकी थी। How are you? Fine. बढ़िया। कहाँ से आप? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ और दिल्ली से यात्रा में चला हूँ पैदल। पैदल यात्रा? पैदल। बढ़िया। पूरी भारत माता की यात्रा। बहुत अच्छा। बाकी आपको मेरे दर्शक देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे कि रोड हमारा थोड़ा ऐसे ही है तो मुश्किल लगी है। हाँ काम चल रहा, सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये देखो गाइस इधर ऊपर में काम चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर में भी एक रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस में है कार्य, ये देख लो, सही है, ये एक रास्ता अभी आने और जाने दोनों के लिए है, बाकी ऊपर में एक रास्ता कंप्लीट हो जाएगा तो एक जाने के लिए हो जाएगा और एक रास्ता आने के लिए फिर हो जाएगा, सही है। तो गाइस ये आप पीछे देख पा रहे वाटरफॉल, सही है, मैं सुबह नहा के चला था मंदिर से, वरना आने के लिए मस्त लग रहा, सही औसम, एक इधर है और एक उधर है, ठीक है, वो देखो उधर में है ना, और एक इधर में, सही है। बाकी हम इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये आप एक और वाटरफॉल देख पा रहे हैं, ठीक है, ऊपर में, बाकी इधर में आप देख पा रहे हैं ये फ्लाईओवर का काम जारी है, ठीक है, और आने वाले टाइम पे कश्मीर के लिए रास्ते और भी बहुत ही सुगम हो जाएंगे, ठीक है, तो कार्य प्रोग्रेस में प्रगति पर है, सही है। तो गाइस मैंने अपना बैग यहाँ रख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और यहाँ पर वाटरफॉल है और उसके बाद अभी केले वले खाते हैं, उसके बाद फिर यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आप देख पा रहे पहाड़ों पर टनल का, मतलब गुफा का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, और ये जो है
ये ऊपर से एक रास्ता बन जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। या तो ये जाने के लिए होगा या आने के लिए होगा, जो भी है टनल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इससे रास्ते सुगम हो जाएंगे और सहज, सही है। तो गाइस ये व्यू देखो यार, एकदम नीचे से ये रास्ते ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और हम इधर ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये प्यारा सा बच्चा मुझे दिख गया, क्या नाम है आपका? सज्जाद। सज्जाद भाई है, ठीक है। हाथ में आप स्लिप लिए हो चंदा का? जी जी। ये किस चीज़ का चंदा है? ये मदरसा लाड खेत के लिए चंदा है। अच्छा, मदरसा लाड खेत के लिए चंदा है। तो आज कितने उठे चंदा उठे? जी आज रुपए 300 उठ गए ना आपके पास, और भी भाई लोग के पास अलग अलग उठे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते। ये व्यू देखो गाइस जो भाई और सब, और ये आप देख पा रहे हो ऊपर पहाड़ों पर बीच बीच में छोटे छोटे घर बने हुए, सही है भाई, मस्त औसम। ये देख लो भाई चारों तरफ सेम, थोड़ा जूम करते इधर का, ये भी देख लो ये घर बने हुए छोटे छोटे पहाड़ों के बीच बीच में, और हम इस रास्ते पे आगे इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हम बनिहाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और करीब 6 किलोमीटर, कुछ 6-6.5 किलोमीटर का सफ़र है बनिहाल। बनिहाल में जाकर के स्टॉप करेंगे, अपनी यात्रा विराम करेंगे। तो बाकी ये भाई साहब लोग यहाँ पर कार्य में लगे हुए थे, तो मुझे देखे तो मुझे बुलाए, बात तो बहुत अच्छा लगा। बाकी क्या नाम है? कौशिक भाई साहब है, और आपका? दर्शन राणा भाई साहब है। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब लोग से बात करके। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आगे जाओ कश्मीर में, मज़े करो, चलो घूमो फिरो। चलो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, अच्छा रहेगा। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए अपने सरदार जी भाई साहब मिल गए। तो क्या नाम है आपका? जसनप्रीत सिंह। जसनप्रीत सिंह भाई साहब है, और आपका? हर्षदीप भाई साहब है। बहुत अच्छा लगा, बाकी भाई लोग बाइक से जा रहे थे तो खड़े थे, तो बात के बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप? सपोर्ट करो भाई को सब मिलके, भाई का कहना समझ रहे हैं, पैदल कहाँ से यात्रा कहाँ लेके चलते हैं। सही बात है, पूरी भारत में आपकी यात्रा, सही है यार। सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो दिल में आता है वो करो, ठीक है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो गाइस गाड़ी जा रही है और धूल धक्कड़ उड़ रहा है, ठीक है। बैग भी एकदम धूल से भर गया, ठीक है। और बाकी ठीक है, जाकर के स्नान आदि करने पड़ेंगे, पूरा धूल धूल रहा है। एक्चुअली निर्माण कार्य चल रहा ना, कार्य प्रगति पर है, प्रोग्रेस में है, तो वर्क इन प्रोग्रेस, तो सही है, इसीलिए धूल धक्कड़ हो रहे हैं। बाकी ठीक है, जय हिंद। वो भाई साहब सरदार जी, उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, तो सही है, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो गाइस ये व्यू देखो यार, पहाड़ियों के पीछे जो पहाड़ी है बर्फ़ से ढकी हुई है भाई, औसम नज़ारे हैं, है ना, सही है। और हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सीटिंग एरिया है। बाकी इधर ये भाई साहब आ गए, तो भाई साहब से बात की, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर अहमद भाई साहब है, बहुत अच्छा लगा, यहीं के लोकल स्थानीय भाई साहब हैं। तो बाकी कुछ कहना चाहेंगे आप? वो ठीक ही है, आपने हाथ चल पूछा क्या, कहाँ से आए हो? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं, ये बसावट है, और पीछे पहाड़ के ऊपर टीले पर बर्फ़ जमी हुई थी, अभी पिघल गई है, ठीक है। तो ये जो बसावट आप देख पा रहे हैं, ये सिटी एरिया है कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का बनिहाल, ठीक है। तो हम बनिहाल पहुंच गए हैं, इधर में भी जो ऊपर की जो पहाड़ थी ऊपर में, वो जो आप देख पा रहे जूम कर रहा हूँ, तो ये ऊपर में बर्फ़ जमी थी, अभी पिघल गई, ठीक है, हल्की हल्की दिख रही है। तो ये आप देख पा रहे पूरा बसावट है, ये बनिहाल जगह है। बाकी अभी हम लोग आगे चलते और देखते हैं कहाँ पर आज रात रुकने का अपना ठहराव होगा, ठीक। तो गाइस अभी हम लोग बनिहाल में, ठीक है। ओ भाई धूला देखकर से चेहरा ख़राब हो गया, ओ। और ये मेन सिटी एरिया है, ठीक है, चौक है। अब आगे यहाँ पर एक मंदिर भी है और आगे पेट्रोल पम्प भी है, तो देखते हैं कौन सा पहले पड़ता है, मंदिर या पेट्रोल पम्प, जो पहले मिलेगा
तो वहाँ पर बात करेंगे, अगर वहाँ से जुदा होगी तो वहीं रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस जी अपने यूपी के भाई साहब मिल गए, ठीक है, बनिहाल में, तो इनका अंदर में दुकान है। बाकी बहुत अच्छा लगा बात करके। क्या नाम है? आबिद। आबिद क्या? आबिद, आबिद, आबिद भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से बात करके, यूपी से। तो बाकी अभी भाई साहब हैं, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अली भाई साहब है। तो भाई साहब से मैंने पूछा कि आस पास रात रुकने के लिए कोई जगह सुविधा, बताया भाई साहब ने कि आगे मंदिर है। ठीक है, मंदिर है, पेट्रोल पम्प है, तो यही है। बाकी ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, ये आप देख पा रहे बनिहाल का फल मंडी, ठीक है, फल मार्केट भाई, फल ही फल है। ठीक है, अभी रात में तो नहीं, कल सुबह जाते टाइम यहाँ से फल उल जरूर लेंगे, लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। फल है, सब्जी है, ये सारे हैं, और हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बनिहाल फल मंडी से होते हुए हम जा रहे हैं, पीछे मंदिर है ना भैया, मंदिर की तरफ, तो वहाँ पर देखते हैं रात रुकने के लिए। आज वहीं पर गुरुजी से बात करेंगे। बाकी ये भैया मिले तो भैया से बात के बहुत अच्छा लगा, और भैया ने अंगूर और केले दे दिए। भैया ने कहा कि ये हमारी तरफ से अंगूर और केले, तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भैया क्या नाम हुआ? मुश्ताक अहमद वानी भैया का नाम है। कुछ कहना चाहेंगे भैया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। भैया बोल रहे थे आप हमारे कश्मीर में आए हैं, तो आप हमारे मेहमान हुए, तो हमारे नवाजी हम करते हैं लोगों से। बिल्कुल किसी देश से भी आएगा, बिल्कुल बात नहीं है। हाँ सही बात है, तो बहुत अच्छा लगा भैया की मेहमान नवाजी, भैया से बात की। बाकी भैया ने फल दे दिए, अंगूर केले। बाकी अभी हम थोड़ी देर पहले सोच ही रहे थे मार्केट देखते हुए कि कल सुबह जाते टाइम में और थोड़े अंगूर या केले फल लेके फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब तो आप ही ने दे दिया, अब कल सुबह का चलिए ठीक है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मिला थोड़ा वीडियो क्या है भैया आ गए। अब मैं अपनी हर दिन की यात्रा यूट्यूब में डालता हूँ, मेरी पैदल भारत यात्रा चल रही, मैं दिल्ली से चला हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंदिर में पहुँच गए, ठीक है, ये आप भोलेनाथ का मंदिर देख पा रहे हैं, ठीक है, और आगे में भी मंदिर है तो ऊपर में, और मैंने गुरुजी से बात कर लिया है, बैग अपने कमरे में रख दिए, कमरा मिल गया है, चाबी मिल गया है, बैग भी रख दिए कमरे में। बाकी कमरा आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है, खाना वाना खा लेंगे, सोने जाएंगे तब, अभी मंदिर के दर्शन करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये आप शिवलिंग, शिव की प्रतिमा के दर्शन कर पा रहे हैं। हरि बोल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइस ये आप दर्शन कर पा रहे हैं वीर बजरंगी के, ठीक है, पवन पुत्र हनुमान के। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप फिर शिवलिंग के दर्शन कर पा रहे हैं, शिव की प्रतिमा के, ठीक है, सही है। बाकी हम इधर बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये आप दर्शन कर पा रहे श्री कृष्ण और राधा रानी, हरि बोल, सही है। अभी लाइट कटी हुई है इसलिए थोड़ा अंधेरा है, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा है, सही है। जी आप देख पा रहे हैं ये अपना कमरा है, ठीक है, मैंने गेट लगा दिया है कमरे का, बाकी कमरे में लाइट नहीं जल रही है, ठीक है, वैसे भी लाइट की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना पावर बैंक उधर में चार्ज लगा दिया, ठीक है, बोर्ड में लाइन है। बाकी इधर मैंने अपना टेंट लगा लिया, ठीक है, और नीचे में गद्दे उद्दे बिछा लिए, और इधर में अपना बैग रखा हुआ है, ठीक है, तो बैग आज बाहर में ही रहेगा और हम टेंट के अंदर रहेंगे। और टेंट मैंने इसलिए लगा लिया, ये कमरे के अंदर है, और टेंट इसलिए लगा लिया क्योंकि काफ़ी टाइम से इस कमरे में कोई रहता नहीं है, ठीक है, आते जाते होंगे तो लोग बैठते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं ना रहता हूँ, तो मुझे नहीं पता, छोटे छोटे जीव जंतु कम इधर उधर रेंगते हुए आ जाएंगे, है कि नहीं, अगर खुले में ऐसे ही सोएंगे तो। लेकिन अगर टेंट के अंदर हम सोते हैं तो कोई जीव जंतु अंदर थोड़ी ना ढुकेगा, तो सेपरेट हो गया फिर, है ना, तो इसलिए। और बाकी अभी खाना पीना भी हो गया, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हैं अभी खाना पीना हो गया है, और दाल चावल, नहीं चावल नहीं था, दाल सूजी का हलवा और रोटी, मस्त खाना पीना बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। तो बाकी अभी अपना ब्लैंकेट वगैरह ले लिए, ठीक है, और हालांकि मुझे अपने बुक के लिए जो राइटिंग था आज पूरे दिन की यात्रा लिखनी थी, लेकिन कमरे में अंधेरा है तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, सुबह में फिर लिखेंगे, ठीक है, और अभी वीडियो एडिटिंग करेंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस दिन को, इस सफ़र को यहीं विराम करते हैं, और कल फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए सफ़र में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, बाय बाय।